हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी आप सभी का अपने चैनल स्टिच होम में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बेल्ट पॉकेट का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी, जिसे मैं बैंड के साथ प्रिंसेस कट कोट में अटैच की हूं। इसे कोट पॉकेट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रिंसेस कट कोट का साइड का कलिया है, जिस पर कि हम पॉकेट अटैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम वेस्ट और हिप लेंथ पर मार्क कर लेंगे। इस कोट का कटिंग वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब वेस्ट लेंथ पर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस 2 इंच वाले मार्किंग पॉइंट से नीचे की ओर 2 इंच पर फिर से मार्क कर लेंगे। अब हिप लेंथ के नीचे भी 2 इंच पर मार्क करके और इस मार्किंग पॉइंट से अंदर की ओर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों मार्किंग पॉइंट्स को लाइन बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। इस तिरछी बेल्ट पॉकेट का ओपनिंग 7 इंच रखेंगे। दूसरे पॉकेट के लिए दूसरे कलियां पर सेम मार्किंग कर लेंगे। अब पॉकेट का कटिंग करेंगे। दोनों साइड का पॉकेट के लिए यहां मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में सेट किया हुआ है। पॉकेट का लंबाई के लिए 14 इंच पर मार्क कर लेंगे और चौड़ाई के लिए 8 इंच पर मार्क करें। उसके बाद यहाँ एक सीधी लाइन बना लेंगे और ऊपर से इस तरह से थोड़ा तिरछी लाइन बनाते हुए मिला लेंगे। पॉकेट का ओपनिंग 7 इंच है, तो ऊपर से यहाँ पर 2 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग पॉइंट से 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और उसके बाद फिर 2 इंच पर मार्क करके यहाँ नीचे थोड़ा गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद यहाँ भी मार्किंग पॉइंट से नीचे गोलाई में शेप देंगे। अब इस मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब इसे यहाँ से कट करके सभी पीसेस को अलग कर लेंगे। तो ये पॉकेट का ओपनिंग हो गया। पॉकेट अटैच करने के लिए मैंने 2 पेस्टिंग पेपर लिया है, जिसमें एक की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 9 इंच है और दूसरे की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई में 2.5 इंच लिया है। पॉकेट को कोट से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले कोट के रॉन्ग साइड पर, जहाँ की हमें पॉकेट अटैच करना हो, 10 इंच लंबाई वाले पेस्टिंग पेपर को आयरन के द्वारा पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करते समय ध्यान दें कि पॉकेट के मार्किंग के बीचों बीच इसे पेस्ट करना है। इसे पेस्ट करने से पॉकेट बनाने में फिनिशिंग आएगी। और यह 9 इंच लंबाई वाले पेस्टिंग पेपर को हम दूसरे फैब्रिक पर आयरन के द्वारा पेस्ट कर लेंगे और पेस्ट करते समय ऊपर में 1/2 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए रखेंगे। अब इसे डबल फोल्ड करके एक बार फिर से आयरन के द्वारा सेट कर लेंगे। अब इसे डबल फोल्ड के साथ ही कट कर लेंगे। अब इसे कोट से अटैच करेंगे। अब इसका ओपन पार्ट को पॉकेट के मार्किंग वाले पॉइंट से मिलाते हुए रखेंगे और उसके बाद पॉकेट का एक पीस को भी इससे मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पर पहले हम बैंड और पॉकेट का एक पीस को पिनअप कर लेंगे। उसके बाद कलियों से अटैच करते हुए इसे हम पिनअप कर लेंगे। उसके बाद मार्किंग वाले पॉइंट्स को पॉकेट के ऊपर भी मार्क कर लेंगे और सेम मार्किंग नीचे भी कर लेंगे। अब पॉकेट का दूसरे पीस को दूसरे साइड से ठीक इसके मार्किंग लाइन से मिलाते हुए रखेंगे और इसे भी कलियों के साथ पिनअप कर लेंगे। और अब पॉकेट का ओपनिंग वाला मार्किंग इस पॉकेट पीस पर भी कर लेंगे। अब दोनों पॉकेट पीस के ऊपर ओपनिंग वाले लाइन से होते हुए 0.25 इंच डिस्टेंस लेते हुए 2 स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ पर दोनों लाइन का डिस्टेंस 0.25 इंच का रखें। अब इसे यहाँ से यहाँ तक दोनों लाइन पर स्टिच करेंगे और यहाँ दोनों साइड बीच का पार्ट को ओपन रखना है। यहाँ पर स्टिच करने के बाद अब दूसरे साइड के लाइन पर आ जाएंगे। यहाँ पर सिलाई करते वक्त नीचे का फैब्रिक को फैलाकर रखें। अब यहाँ दोनों साइड से फैब्रिक को पकड़ें और बीच में पहले कट लगाएं। उसके बाद इसे ओपन करके मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करें। फिर से उल्टे साइड पर करके इसे स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएंगे। उसके बाद दोनों कॉर्नर पर कोट वाले फैब्रिक पर कट लगाएंगे। यहाँ कट लगाते वक्त ध्यान दें कि सिर्फ कोट वाले फैब्रिक पर कट लगाना है। सेम कट दोनों साइड लगाएंगे। कट लगाने के बाद इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर कर लेंगे। उसके बाद दोनों पॉकेट पीसेस को इस कट वाले भाग से नीचे की ओर कर लेंगे। उसके बाद पॉकेट पीसेस को अंदर की ओर अच्छे से सेट करेंगे।
स्टिच करने के बाद यहाँ तीन साइड से इसके मार्जिन से होते हुए पहले स्टिच करेंगे और नीचे दोनों पॉकेट पीसेस को अलग अलग रखेंगे। तीनों साइड मार्जिन से स्टिच करने के बाद अब बैंड को नीचे वाले फैब्रिक से सेपरेट करके इसके मार्जिन से भी स्टिच कर लेंगे। इसके बाद बैंड को इस तरह से हमें नीचे टर्न करना है। नीचे टर्न करने से पहले यहाँ साइड में थोड़ा फैब्रिक को हम फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे और सेम स्टिचिंग दूसरे साइड भी कर लेंगे। अब इस बैंड को पॉकेट के ओपनिंग के हाफ इंच ऊपर तक चढ़ाते हुए डबल फोल्ड करके किनारे से स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच करते वक्त नीचे वाले पॉकेट पीसेस को ऊपर की ओर रखेंगे। इससे जब हम बैंड को साइड से स्टिच करेंगे तो नीचे वाला फैब्रिक प्रेस नहीं होगा। अब इसे हम तीनों साइड से स्टिच कर लेंगे। बेल्ट पॉकेट का बैंड अटैच हो चुका है। इसके बाद में आयरन के द्वारा सेट कर लेंगे। अब नीचे दोनों पॉकेट पीसेस को तीन साइड से स्टिच करके क्लोज कर देंगे। यहाँ नीचे में दोनों पॉकेट पीस लंबाई में थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। बाद में बड़े वाले पीस को हम थोड़ा कट कर देंगे। अब यह पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। बैक साइड से देखने में यह इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं यह कितने फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। टाइप बैंड के ऊपर बड़ा बटन अटैच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।